देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। शुभ शॉपिंग में आपका बहुत स्वागत है और आज हम आपको शॉपिंग कराने वाले दिवाली में सजावट के सामानों की। तो मार्केट में इस बार क्या कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही है, कौन सी चीज़ों से आप अपने घर को सजा सकते हैं, इसकी शॉपिंग आपको कराते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारी शॉपिंग और मालवी रोड में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ की एक शॉप हमें सबसे पहले दिखाई दी है, वहीं पे चलते हैं। भैया आपसे मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए मार्केट तो हर बार ही लगता है, इस बार क्या नया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा सजावट के सामानों को बताइए कैसे नया है इस बार। नया तो बहुत सारी डिजाइन है, सबसे नया नया लगा है सब चीज अभी। मालवी रोड में अगर हम देखें तो इस बार सजावट के सामानों में कुछ नया आपको देखने मिल रहा है या हर बार की तरह? नहीं वही है, बस अमाउंट में ज्यादा हो गया है। चल भैया ने बोला कि प्राइस इस बार ठीक है, आप बताइए आपको कैसा? नहीं सब ठीक है, अच्छा है। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं उस पर बताइए क्या क्या शॉपिंग आपने अब तक की? भगवान के लिए सब वही सब माला वगैरह सब ले रहे हैं, शुभ लाभ वगैरह। और देखिए तो कस्टमर का तो यही कहना है कि प्राइस इस बार ठीक है, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे कि और भी कुछ शॉप है वहाँ पर कि प्राइस कैसे था, कि आप भी अगर दिवाली की शॉपिंग करने आ रहे हैं तो हमारे इस एपिसोड से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। देखिए महिलाओं को घर में लगाने वाली लड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक होता है और आप बेसब्री से इंतजार करेंगे कि मार्केट में उनके क्या भाव चल रहे हैं और इस बार क्या कुछ नया उनमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भैया, बताइए कैसी लड़ियाँ इस बार मार्केट में? अच्छी लड़ियाँ मैम, बहुत अच्छी है। प्राइस कैसे? सबकी अलग अलग प्राइस है मैम। आप थोड़ा सा मैं दिखा सकते हैं क्योंकि देखिए जो महिलाएं देख रही होंगी वो यहाँ पर जरूर आएंगी क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इस बार मार्केट में कैसी प्राइस है। ये 150 का पेयर लगेगा मैम, ये 130 का लग जाएगा। जो लंबी लड़ियाँ इनका बताइए? ये 200 का पेयर लगेगा मैम। लंबी लड़ियाँ जो हमें यहाँ पर दिख रही है इनका? जी ये 200 का पेयर लगेगा। पहले से कुछ नया क्योंकि देखिए लड़ियाँ तो जो महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा अपने घरों के लिए लेती है तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया उन्हें देखने को मिलेगा? तो मैम यही आता है रेगुलर, तो हर बार की तरह जी। क्या मालवी रोड की एक और अच्छी शॉप में इस वक्त हम मौजूद है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ वो लोगों का कहना है कि इस बार मार्केट पहले से उतना अच्छा नहीं है, आपको क्या? हाँ मेरा भी यही कहना है कि वो पहले जब रहता था बहुत ज़्यादा ऐसे रश रहता था और बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, पर अभी थोड़ा सा वो कम लग रहा है अब। पर क्या इसका कारण क्या हो सकता है? माइट भी अभी थोड़ा सा टाइमिंग नहीं होगा, माइट भी कि ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे जाते जाएंगे तो फिर और हो सकता है। अच्छा, कि दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए कैमरे पे कि अगर वो शॉपिंग करने आना चाहते हैं तो इस बार मालवी रोड का मार्केट कैसा है? वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, आपने क्या क्या शॉपिंग की अभी तक? अभी तक मैंने कपड़े ले लिए हैं, भगवान के लिए बेसिकली लेने आए हैं आज तो। फैमिली के साथ आइए आप अभी? हाँ। अंकल आप बताइए मार्केट कैसा लग रहा है दर्शकों को, अगर वो मालवी रोड आना चाहते हैं शॉपिंग के लिए तो उन्हें आना चाहिए यहाँ पर? हाँ आना चाहिए, अभी मार्केट थोड़ा से कमी है, अब देखो जैसे जैसे त्योहार आएगा तो मार्केट बढ़ेगा। सर आपसे समझना चाहते हैं क्या नया है इस बार मार्केट में? बहुत सारे फैंसी आइटम्स हैं मैम हमारे पास, पूरे लटकन्स जैसे सेंटर वाली लटकन्स आएगी। हाँ और ये सारे जितने भी लेटेस्ट आइटम हैं, पहले तो आते ही थे कलेक्शन, बट इस बार लेटेस्ट बहुत कलेक्शन है, इतनी वेराइटीज़ आपको आप देख ही सकते हो, आपके कैमरामैन को बोल दीजिए पूरा दिखा देंगे। ये सब लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट कलेक्शन है, ये लेटेस्ट कलेक्शन है। प्राइस रेट कैसा रखा आप लोग? प्राइस रेट तो हमारे पास नॉमिनल कॉस्ट रहता ही है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होते रहता है, वो तो सरकार कर रही है उसी के नाम से, हमारा भी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ते ही रहता है। ये कुछ चीज़ें हमें बहुत सुंदर तो लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप हमें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो जिसे वो देख के यहाँ पर तुरंत ही आ जाए। ये देखिए मैम कितनी बेस्ट बंदरवार है, ये इस बार का लेटेस्ट है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यही है कि ये फ्लावर्स, पहले आपको ये ऐसे पत्तियों में बने हुए मिलते थे, अब ये ऐसे फ्लावर्स में आपको बने हुए मिल रहे हैं ये इस टाइप के, और पूरी मोती वर्क किया हुआ है इसमें। ये आपका सेंटर वाला आइटम है, ये आपको बड़ा सुंदर लग रहा है, कि क्या है थोड़ा बताएंगे इसको? ये मैम सेंटर में लगाते हैं, जैसे घर में मंदिरों में सब सेंटर में डिस्प्ले के लिए, फिर इसमें लाइटिंग लगाते हैं ताकि और घर की रौनक बढ़ जाए। ये सारे आइटम्स बहुत चलते हैं यहाँ में, हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन है ऊपर। इनकी प्राइस क्या है? ये 750 रुपीस का है मैम। अच्छा आपकी दुकान में हम आते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने ज़रूर आए? बिल्कुल आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, हर चीज़ जैसे दिया हो गया, स्टिकर हो गया, चुन्नी हो गया, या ऐसे क्या बोलते हैं आपका दरवाज़ा डोर का लगाने का माला हो गया, ये सब जो भगवान की पूजा करने वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ हम लोग रखते हैं और वही बेचते हैं, जैसे आपका डोर का हो गया, दरवाज़ा डोर के लिए। देखिए एक बार एक नई चीज़ दर्शकों को इस बार मार्केट में देखने को मिलेंगी, इसको आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमें बता भी रहे हैं, और आप भगवान रूम में इसे रख सकते हैं, और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमें मार्केट में कई नई नई चीज़ें हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं आपके लिए ताकि आपको शॉपिंग करने में ज़्यादा दिक्कतें ना, और भी शॉपिंग हमारी बाकी आगे बढ़ जाए।
तक का हमारा एक्सपीरियंस इतना ही है कि कुछ चीज़ें नई आपको देखने मिलेंगी, लेकिन देखिए पारंपरिक चीज़ें जो है वो इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हैं। एक और शॉप में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नया आपके पास देखने को मिलेगा कि हमारे दर्शक आना चाहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी जो आप दिखाना चाहें? आया नया वेराइटी में, ये देखिए ये लक्ष्मी गणेश का शुभ लाभ आया है, सब आया है। मैम दियो की शॉपिंग आप बढ़िया लग रहे हैं। प्राइस कैसी है? प्राइस महंगा है। पारंपरिक दिए आप ले रही है, आपको मतलब फैंसी का शौक नहीं है मुझे लग रहा है? नहीं नहीं, हम लोग नेचुरली जलाते हैं। और मार्केट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अभी भीड़ आज थोड़ा कम है। कितनी शॉपिंग आप, अगर दर्शक आना चाहे यहाँ पर मालवीय रोड में शॉपिंग के लिए, तो क्या उनको आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो मालवीय रोड के बाद हम पंडरी साइड पहुँच चुके, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मार्केट कैसा है। सर आप बताइए कैसा मार्केट है इस बार? मार्केट बहुत अच्छा है। कुछ नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बहुत सारे नए आइटम आए हैं। तो हम ही अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस बार चीनी मिट्टी के दिए जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मिट्टी के दिए बहुत कम है। क्योंकि जहाँ तक अगर देखा जाए तो पारंपरिक दियों का चलन हमेशा से रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही सुंदर सुंदर आपको दिए यहाँ पर दिख रहे होंगे जो कि चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। और देखिए सबसे खास बात इनमें ये है कि अब तक आपने हाथ से बने हुए दिए देखे हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो दिए देखने मिल रहे हैं वो चीनी की मिट्टी के दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ नया मार्केट में इस बार आया दियों को लेकर। तो चलिए कुछ ग्राहक और से भी हम बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। मैम शॉपिंग करने आई हैं? यस। क्या अच्छा लग रहा है इस बार? आप अभी तो स्टार्टिंग की है, आज फर्स्ट डे है, देखिए। अच्छा ये बता रहे थे भैया हमें कि यहाँ पर चीनी मिट्टी के दिए हैं जो कि मशीन से बने हैं, कैसे लग रहे हैं आपको दिए? बढ़िया। और कितनी शॉपिंग हुई आपकी अभी? 500 तक अभी तक की है। अच्छा चलिए, हमने तो अपनी शॉपिंग कर ली, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी शॉपिंग अभी ज़रूर बची होगी। मुझे उम्मीद है ये भी है कि हमारी जो शुभ शॉपिंग, हमारे जो खास सेगमेंट हमने आपको दिखाया, इससे आपको शॉपिंग करने में ज़रूर मदद मिलेगी। और मालवीय रोड और पूरी राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पर कई नए नए चीज़ें यहाँ पर मिली हुई है, तो आप भी अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कीजिए।